हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल इवनिंग। बहुत पहले मैंने एक कहावत पढ़ी थी दैट देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो जो हो गया है उस पर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन, थोड़ा सा एग्जाम डिफिकल्ट आया, आपसे कुछ गलतियां हुई, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। अब आपको वो चीज़ भूल जानी चाहिए एंड अब आपको आने वाले एग्जाम दैट इज जून 2022 एग्जाम के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. So I'm starting a new series of lectures where I'll be covering the important questions that have been asked in your December 2020 as well as June 2021 exam. तो बहुत सारे ऐसे questions आए जो थोड़े difficult level के थे, जिसके concepts students को अच्छे से नहीं आते थे। Probably these were the HOTS, जिसको मैं कहता हूँ high order thinking skills questions. तो ये questions आए थे और यहाँ पे students को काफी ज़्यादा challenge face करना पड़ा। So what I'm gonna do is through these sessions I'm going to cover these questions और बहुत डिटेल में कवर करेंगे ताकि इन कंसेप्ट को भी समझा जा सके। देखिए, इंडिविजुअली अगर आप क्वेश्चंस को या फिर कंसेप्ट को समझने जाएंगे सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट आपके लिए, बिकॉज एक एक आपको खोजना पड़ेगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करा दूंगा एंड आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दे दूंगा, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्टिव से लेट स्टार्ट विद द टूडेज सेशन। इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Because the sessions are going to be held from Tuesday to Saturday, 7 p.m. sharp. So please, मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। Also, we have created a Telegram group. तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, you can join us on this Telegram group. यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब मेरे लेक्चर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी अपडेटेड इन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ। कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझे टैग करके भी वहां पे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो, अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स बिगिन विद दीज क्वेश्चंस। प्लीज ध्यान रखिएगा कि इन सेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने एग्जाम दिया है, आपको आंसर कीज भी मिल गई है, तो आप आंसर्स तो अपने आप चेक कर ही सकते हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। Some of the types of hypotheses are given. कुछ hypotheses आपको given है। I hope you remember कि hypothesis कुछ नहीं होती, एक proposition होती है जिसको आपको empirically test करना होता है कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है based on the data that you have collected, ठीक है। Descriptive hypothesis, null hypothesis जिसको हम HOV कहते हैं या बनाते हैं, I'm sure आपको याद होगा। Confounding, intervening और explanatory। तो हमें इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सी types of hypothesis है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पांचों टर्म्स का एटलीस्ट मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है, वेर यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। आपने डिस्क्राइब कर दिया बहुत ही लेमैन टर्म्स में, मतलब आपने एच ओ एच वन कुछ भी नहीं लिखा, आपने नल ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं लिखा, आपने नॉर्मली डिस्क्राइब कर दिया दैट लेट से पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आई होप यू आर गेटिंग इट। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स हिज डिसीजन मेकिंग। ये आपने एज अ स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिख दिया है, आपने कहीं भी एच वन एच टू एच नॉट कुछ भी ऐसा लिखने की कोशिश नहीं करी है। नल हाइपोथेसिस, आप एच ओ लिखते हैं और आप कहते हैं पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट, बिकॉज एच ओ है, डज नॉट इम्पैक्ट हिज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी तब यूज किया जाता है जब आप एक हाइपोथेसिस बना चुके होते हैं और उसका आप सब क्लासिफिकेशन करते हैं। लेट्स यू आर ट्राइंग टू डू अ सब क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने कह दिया that the personality of an individual impacts decision making. अब आप इसका explanation देना चाह रहे हैं that personality is say affected by an experience. आपकी जो personality है वो past experience के basis पे determine हुई है. So sub classification hypothesis का क्या हो सकता है जो explanation देगा, that due to the experiences of an individual the personality has become in some manner has been modified and due to which it impacts decision making. तो basically हम क्या कर रहे हैं, हम explanation दे रहे हैं कि पर्सनालिटी एक्सपीरियंस से मूव हुई है, एक्सपीरियंस की वजह से चेंज हुई है। तो एक्सपीरियंस एक रीजन है या फिर एक कॉजल कनेक्शन बनाता है बिटवीन द पर्सनालिटी एज वेल एज डिसीजन मेकिंग। तो जहां पे आप एक्सप्लेनेशन देते हैं वो आपका एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस हो जाता है। इसको जनरली एक सब क्लासिफिकेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। अब जो दो इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो है कन्फाउंडिंग और इंटरवेनिंग। मैं आपको बता दूं, ये हाइपोथेसिस नहीं होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, बट इनको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अब आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल ऐसा बढ़ चुका है कि ये जो कन्फाउंडिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, ये जनरली पीएचडी या फिर एमफिल स्कॉलर्स को सिखाया जाता है या फिर वो पढ़ते हैं व्हेन दे आर एक्चुअली कंडक्टिंग देयर पीएचडीज। तो इससे आपको पता चल सकता है कि पेपर का लेवल कितना बढ़ चुका है और
कितने प्रैक्टिकल अप्रोच से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू ये दोनों कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको आंसर आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, बट अपना फोकस इन कॉन्सेप्ट्स पे रखिएगा। बहुत लिटरल टर्म्स में समझिए तभी समझ में आएगा, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। इंटरवेनिंग वेरिएबल या फिर इंटरवेनिंग रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इंटरवेनिंग वर्ड जो है वो एक टर्म से निकल के आया है जिस टर्म का नाम है इंटरवेन, मतलब समथिंग और समबडी और सम एलिमेंट दैट इज एक्टिंग इन बिटवीन। जैसे आप कहते नहीं कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई तीसरा बंदा आके इंटरवेन कर रहा है, मतलब बीच में टांग अड़ा रहा है, ठीक है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल अब आपको याद रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आप दो वेरिएबल्स के बीच में लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट से आप कह रहे हैं दैट सिंस देयर इज अ पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी की सिचुएशन है, इसकी वजह से जो इंसान की लॉन्गिविटी रहती है या इंसान की जीने की क्षमता रहती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी शॉर्टर। ये रिलेशनशिप आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉवर्टी हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, ठीक है, और शॉर्टर लॉन्गिविटी जो है ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या करता है? इंटरवेनिंग वेरिएबल ये कहता है कि भाई ये रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, बीच में एक और वेरिएबल है, बीच में एक और कोई एक्स वाई जेड वेरिएबल है जो बीच में इंटरवेन करता है, और उस वेरिएबल की वजह से शॉर्टर लॉन्गिविटी होती है। इसका मतलब हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी की सिचुएशन है तो शॉर्टर लॉन्गिविटी रहेगी या फिर शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल आएगा, कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल आएगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन ऑकर करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है जिसकी वजह से देयर इज लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, आप बहुत ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं ले सकते। रिच के पास क्या होता है कि उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई भी बीमारी होती है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा सकते हैं, दे हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज। बट क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अपना इलाज नहीं करा पाते, पैसे नहीं खर्च कर पाते, इसीलिए वो उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि बीच में कोई एक वेरिएबल है जो इंटरवेन कर रहा है, जो हेल्प करता है रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने, ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल बन जाएगा। अगर वो बीच में इंटरवेन नहीं करता तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल समझ लीजिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल। देखिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो रट्टे लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टर्म है ना उससे मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करिए, आपको कभी रट्टे लगाने नहीं पड़ेंगे। कंफाउंडिंग का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल से आप एक टर्म याद करिए, कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो छुपा हुआ है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, और वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या हुआ कि आपको जानकारी है, और ये बीच का जो वेरिएबल है ये इंपैक्ट कर रहा है या फिर ये कॉजल लिंक प्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल में क्या हो रहा है, हमें उस वेरिएबल के बारे में जानकारी ही नहीं है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस वेरिएबल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है। ये भी हो सकता है कि कोई एक वेरिएबल हो जो छुपा हुआ हो और उसका भी इंपैक्ट आता हो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। एक बार ये एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट से आप ये मान के चलते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो कि मेजोरिटी लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूं, अब मैंने करना शुरू किया है, ठीक है, इसका एक रिलेशनशिप है किस पे? वेट गेन पे, ठीक है, कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको वेट गेन नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आप ये रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि और भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनका इंपैक्ट वेट गेन पे आता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस वेरी क्लियरली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्टिविटी लेवल के बीच में कोई वेरिएबल है या बीच में कोई एलिमेंट है जो इंटरवेन कर रहा है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी लेवल, फिजिकल एक्टिविटी के सिवाय और भी कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका इंपैक्ट वेट गेन पे आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कई बार ये देखा होगा कि आप ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स अपनी टीनेज में होते हैं, ठीक है, वो आपसे बहुत ज्यादा डाइट लेते हैं, वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बट उनका वेट नहीं गेन होता। बट एज सून एज यू क्रॉस अ सर्टेन एज, लेट्स से 23-24 आप जब क्रॉस करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खाते भी नहीं है तब भी आपका वेट गेन होना लगता है। और उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, जो आपकी हाइट बढ़नी है, जो आपकी मसल्स बढ़नी है, वो एक स्टैग्नेटेड प्लेस पे पहुंच चुकी है। तो अब जो भी आप खाते हैं वो क्या करता है, वो आपको फैट्स देता है, एंड देयरफॉर आपका जो वेट है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी लेवल के सिवाय कुछ और फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पे वर्क प्ले करेंगे।
तो यहां पे एक फैक्टर क्या हो सकता है, एज. योर एज इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. सो ये भी एक फैक्टर होगा जो आपके वेट गेन पे इंपैक्ट डालेगा. ठीक है, तो ये हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए दोनों ही केसेस में, कि अगर इंटरवेनिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई होता है तो हम उसको अकाउंट फॉर करें और उसको अपने मॉडल के अंदर डालें, जो भी हम इकोनोमेट्रिक या स्टैटिस्टिक मॉडल यूज कर रहे हैं. और अगर मॉडरेटिंग वेरिएबल है, सॉरी कंफाउंडिंग वेरिएबल है, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करें और उसके अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करें. ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है वो बीच में इंटरलिंकेज क्रिएट करता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल इज नॉट क्रिएटिंग एन इंटरलिंकेज, बट ये कोई दूसरा वेरिएबल है जिसका इंपैक्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा है. ठीक है, आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये 100% क्लैरिटी आ गई होगी. ठीक है, तो अगर हमें पूछना है, बताना है कि विच ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो हम सी और ई ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. वी कैन एलिमिनेट द सी एंड द ई ऑप्शन. तो हमें आसानी से पता चल गया कि जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ए बी एंड ई. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यही आंसर दिया होगा. प्लीज स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान रखिए कि आंसर आपको कहीं से भी पता चल जाएगा, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी. ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, दिस इज गोइंग टू टेक यू टू प्लेसेस. ठीक है, चलिए, थोड़ा सा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. एक्सप्लोरेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स लैक क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम्स दे विल मीट ड्यूरिंग द स्टडी. ठीक है, एक्सप्लोरेशन कब किया जाता है, जब रिसर्चर को बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है. ये पहला स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट टू सेज थ्रू एक्सप्लोरेशन करने की वजह से रिसर्चर्स डेवलप कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियरली, एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज, डेवलप ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड इम्प्रूव द फाइनल रिसर्च डिजाइन. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन से है. देखिए, जब कभी क्वेश्चन आता है और आपको स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बहुत छोटा सा टिप देता हूँ. इस टॉपिक के बेसिस पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और आइडेंटिफाई करिए कि आपने कौन कौन से रिसर्च डिजाइन पढ़े हुए हैं. अब अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको एक रिसर्च डिजाइन याद होगा. एक रिसर्च डिजाइन हमने पढ़ा था अपने वीडियोस के अंदर, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करिए. ये होता है कि जब आपको क्लियर आइडिया नहीं होता प्रॉब्लम का, तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं, ताकि आप प्रॉब्लम को और क्लियरली और स्पेसिफिकली समझ सकें. ठीक है, ये हमें पता है. सो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बात कर रहा है. पहला स्टेटमेंट कह दे रहा है कि भाई एक्सप्लोरेशन में आपको क्लियर आइडिया नहीं होता है प्रॉब्लम का, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड कह रहा है थ्रू एक्सप्लोरेशन, जब आपने एक्सप्लोरेटरी स्टडी कंडक्ट कर ली या जब आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, तो जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स में. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी. आई कुड सी दैट यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, आपने चैट बॉक्स में आंसर लिख दिए हैं. ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये चीज मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं जून 2022 एग्जाम के लिए, कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स गोज हैंड इन हैंड. 90% केसेस में, 90% मैं कह रहा हूं आपको, रिसर्च करनी है अगर तो स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगी. बहुत सारे लोग बिना स्टैटिस्टिक्स के भी रिसर्च करते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च कर लेते हैं, बट अगर स्टैटिस्टिक्स है तो आपकी रिसर्च की क्वालिटी एनहांस होने वाली है. ठीक है, तो आप रिसर्च अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन रिसर्च में पूछे जा सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स जो कि पेपर टू का टॉपिक है आपके, चाहे आप कॉमर्स के लिए तैयार कर रहे हो या फिर मैनेजमेंट के लिए, वहां पर आपसे रिसर्च की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. अब देखिए, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. भाई, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ा है तो ये पेपर में पूछ सकते हैं. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक का मतलब समझ लेते हैं. पैरामेट्रिक रिसर्च क्या होती है, जो पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशंस लेती है कि भाई पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन का मीन कैसा है. ठीक है, पैरामीटर्स क्या हो गए, मीन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे कॉम्पोनेंट्स हो गए. ठीक है, तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं या पैरामेट्रिक स्टडीज होती है, वो पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में कुछ अजम्पशंस बनाती है कि भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं, जिनको पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द पॉपुलेशन. कोई कैसी भी पॉपुलेशन हो, आप अपनी स्टडी रन कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 नाम दिए हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कौन से हैं. देखिए, इस क्वेश्चन को लॉजिकल कॉमन सेंस से आंसर किया जा सकता था. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो टी टेस्ट है और जो एफ टेस्ट है, जहाँ पे टी टेस्ट स्मॉल सैंपल भी कहलाता है, स्मॉल सैंपल टेस्ट कहलाता है, जहाँ पे आप मीन्स को कंपेयर करते हैं. एफ टेस्ट कहलाता है आपका वन साइडेड एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ठीक है, वन वे अनोवा. ठीक है, जो पॉपुलेशन को चेक करता है, अगेन आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं या फिर नहीं. ये दोनों ही जो हैं, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है.
ये आपको पता है। तो अब अगर आपने कॉमन सेंस भी यूज किया होता तो आपको इसका जवाब मिल जाता, ए और बी ऑप्शन नहीं है, ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट कर दीजिए, यू हैव गॉट योर आंसर। बट माय ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू द कॉन्सेप्ट्स। तो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन आपको पता है, जहां पे आप रैंक्स देते हैं उनको कंपेयर करते हैं और उसके बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। केंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस जो है, इट इज वेरी सिमिलर टू योर स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, और ये भी रैंक्स को कंपेयर करके बताता है कि जो दो लोगों ने रैंक दी है, लेट्स से दो जजेस हैं ए एंड बी, अगर इन्होंने कुछ कुछ रैंक्स दे दी है किसी टेस्ट के अंदर, किसी फैशन शो के अंदर, व्हाटएवर बी द केस, तो क्या इनके इन दोनों रैंक्स के बीच में कोई कोफिशिएंट है या कोरिलेशन है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर दो लोग बिल्कुल ही अलग अलग रैंक देंगे, बहुत ही अपोजिट रैंक देंगे, तो डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और जो मैन विटनी विलकॉक्सन टेस्ट है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि ये बताता है कि अगर आपने दो सैंपल ले रखे हैं, लेट्स से यू हैव कलेक्टेड टू सैंपल, सो वेदर दे बिलोंग टू द सेम पॉपुलेशन और नॉट, ठीक है। अगेन ये करता है बट विदाउट मेकिंग एनी अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, तो ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो ब्रीफली हमें तीनों का ऑब्जेक्टिव पता चल गया, सी एंड ई ऑप्शन इज फॉर रैंक कोरिलेशन, और मैन विटनी बताता है कि आपका जो सैंपल है वो सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी डी सी डी एंड ई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे खुद नोटिस कर रहे हैं कि केंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस एक्चुअली सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैन विटनी तो है बट केंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस आई डोंट थिंक सो पार्ट है, बट स्टिल क्योंकि ये रिलेटेड था इसलिए उन्होंने पूछ लिया। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई 10-15% क्वेश्चन तो टॉपिक के बाहर आएंगे ही, सिलेबस के बाहर आएंगे ही, बट अगर आपने 80% अच्छे से कवर किया हुआ है और जो बाकी 15-20% है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन लाइव सेशंस के अंदर आपको कवर करके दे दूंगा, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर गेनिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। अ रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ रिसर्च। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और मैं इसको एग्जाम्पल से देखिए आपको समझाना चाहूंगा आप सबको। मुझे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, स्पेशली जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है, और वो मुझे कहते हैं सर हमने न्यूज में पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती लोगों को जनरली, सर इस पर रिसर्च हो रही है, क्या हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या है, दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर कोई इंसान रिसर्च कर रहा है तो उसको हर टॉपिक की नॉलेज होगी, ऐसा नहीं होता। आप जिस टॉपिक में रिसर्च कर रहे होते हैं आपको उसी टॉपिक की कोर नॉलेज होती है, व्हाई, बिकॉज यू हैव रेड द थ्योरी, आपने पुरानी थ्योरीज जो हैं, आपने जो लिटरेचर की के अंदर थ्योरीज दी हुई है, इंपॉर्टेंट कोर थ्योरीज, वो आपने पढ़ी हुई होती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो भी अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी यू कैन नॉट क्रिएट अ रिसर्च क्वेश्चन। अब आप कल को आके मुझे ये कह देंगे कि सर बिजली कड़कने से नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, हमने डेटा कलेक्ट किया, डज दिस मेक एनी सेंस, ऑफकोर्स आपको भी लग रहा होगा सेंस नहीं बनता। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आते हो, जो आपको लॉजिकल लग रहे हो, सकता है आपको वो लॉजिकल लग रहे हो, बट जब तक आपके पास उसकी एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है, टिल द टाइम यू डू नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग थ्योरी अबाउट इट और यू डू नॉट हैव अ लिटरेचर अबाउट इट, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द ब्लू एंड से कि सर इसके बारे में मैं रिसर्च करना, ठीक है। तो आई थिंक ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो तभी पता होगी अगर आपको, अगर आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो अजर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी टू ब्रॉड और टू नैरो, देखिए वर्ड टू लिखा हुआ है, यही उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, या तो बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए या तो बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, एक्चुअली इनफैक्ट इन दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी बैलेंस वर्ड, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा तो आपका जो स्कोप ऑफ रिसर्च है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके पेपर को आप कवर नहीं कर पाएंगे, डेटा कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब स्कोप बहुत ज्यादा वाइड हो गया। बहुत कम नैरो होगा, मतलब बहुत ज्यादा नैरो होगा सॉरी, तो क्या होगा कि आपके जो रिसर्च आउटकम्स आएंगे वो इतने सफिशियंट नहीं होंगे कि आप उसको अपने रिसर्च पेपर में एक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह दिखा सकें, वो एक नॉर्मल छोटा सा आर्टिकल बन जाएगा जो किसी कॉलेज की मैगजीन में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो रीजन है दैट इज इनकरेक्ट, इट शुड नॉट बी टू ब्रॉड और टू नैरो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो assertion है वो हमारा सही है, whereas the reason is false, तो answer हो जाएगा B. I hope आपने इसका correct answer comment section में दे दिया होगा, ठीक है। Let's move to the last question, थोड़ा सा practical question है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि practical question पूछे जा रहे हैं, तो please इस चीज पे ध्यान रखिए कि जो भी subject आप पढ़ रहे हैं, जिस भी mentor से पढ़ रहे हैं, उसको भी थोड़ा practical experience हो, ठीक है। बिकॉज जब तक उसके पास खुद को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा रिसर्च पेपर लिखने का, रिसर्च लिखने का,
एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च तो आप भूल जाइए कि वो आपको प्रैक्टिकल एलिमेंट्स दे पाएगा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा आपको पता है, क्वांटिटेटिव डेटा जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, और क्वालिटेटिव डेटा लेट से आपने किसी की रिकॉर्डिंग कर ली, इंटरव्यू ले लिया. ठीक है, लेट से आपने कोई रिपोर्ट उठा ली, रिपोर्ट से आप थीम जनरेट की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट से आपने कोई डिस्कशन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, जहां पे आपने लोगों को बैठा के एक स्पेसिफिक टॉपिक पे उनके व्यूज लिए. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिव डेटा के लिए नहीं यूज किया जाता. मैं आपको बहुत सारे सेशन में बता चुका हूं एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका जवाब आप मुझे जल्दी से देंगे, और मैं देख सकता हूं कि लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना शुरू कर चुके हैं. सो दीज आर द ऑप्शंस, ईव्यूज, आर स्टूडियो जिसको हम आर पैकेज भी कहते हैं. ठीक है, एसपीएसएस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, स्टाटा और नन ऑफ द अबव. बहुत ही आसान से क्वेश्चन, ठीक है, जिसका जवाब आपको डेफिनेटली आना चाहिए बिकॉज इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में पूछा जा रहा है, चारों ही सॉफ्टवेयर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूं, अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एसपीएसएस सीखना चाहिए. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप लेवल बढ़ा के ईव्यूज पे जा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि अब आपको स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज हो गई है, प्रोफिशिएंट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत कोडिंग भी समझ लेते हैं, देन यू कैन गो फॉर आर और स्टाटा एज द थर्ड लेवल. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली भी शुरू कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फोर आर योर क्वांटिटेटिव डेटा सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप आपको इस सेशन से थोड़ी मदद मिली होगी. मैं इसी तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको करवाता रहूंगा इन लाइव सेशंस के अंदर. प्लीज इन सेशंस को मिस मत करिए, डू अटेंड दीज सेशंस. आप सिर्फ अगर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को की क्लैरिटी नहीं आएगी. आप गूगल मारेंगे, इधर उधर मारेंगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आए हैं सारे शिफ्ट में, चाहे वो कॉमर्स के तीन शिफ्ट हों या फिर वो मैनेजमेंट के हों, आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज सेशंस. थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हो रहा है इसलिए मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, बट ट्रस्ट मी कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको लगता है कि सेशन से आपकी थोड़ी सी मदद हुई है, आई हैव बीन एबल टू मेक अ लिटिल कंट्रीब्यूशन इन योर नॉलेज और एक्सपर्टीज, देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड. आई एम गोना मीट यू टुमारो विद अनदर सेट ऑफ 5 क्वेश्चन. टेक केयर एंड